अपने हाथों से बांट कढ़ाई तैयार हो रही है, जिस जिसने खानी है आ जाओ। अगर अभी तक आपके सबर ने जवाब नहीं दिया, आपके मुंह में पानी नहीं आया, ये देखो यार बड़ा जालिम रश है। इस तरह का रश मैंने जिंदगी में किसी वन डिश पे नहीं देखा। तीन लेयर्स थी, क्रॉस करके जाना था। आज रात हम लोग लाहौर में रुके थे, यहाँ पर अभी हमने जाके करना है नाश्ता मोटे चने वाले के बाद, या मोटा चने वाला उसको कहते हैं। बहरहाल बहुत बड़ा ड्रम है जिसमें चने बन रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ अब्दुल मालिक फरीद और आपको एक और लाहौर के ब्लॉग में खुश आमदीद। ए रसूल-ए-आमी खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदा ये अपना बस को यकी, तुझसा कोई नहीं। वालेकुम सलाम। कॉफी दे दे एक, और शेक्स कौन से? अब अपने फ्यूल का इंतजाम हो गया, अब गाड़ी के फ्यूल। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी खातम अल मुरसली। ये पता है किस लिए मैंने किए? इधर आ ये देख रहे हैं, दिस विल बी रिमूव्ड इन फ्यू सेकंड्स। बाजार से गुजर के आए हैं, यहाँ पर गाड़ी पार्क करके गलियों में यहाँ से जा रहे हैं अंदर। हम लोगों ने गलती की है क्योंकि पता नहीं था, मैप के साथ चल रहे थे तो बाजार में आ गए अंदर। यहाँ पर जैसे ही हैं ऐसा इंतहा का रश देखने को मिला है। अब समझ नहीं आ रही यहाँ पर खाएं या ना खाएं या कैसे खाना है। यार इधर से अभी इंटर होना पड़ना है, देखें रश कैसा है। ये यहाँ से ये हमारे मोइज़ भाई। यार इधर रश ऐसा ही होता है हर रोज या संडे को ज्यादा होता है? ऐसा ही होता है रोजाना, रोज ऐसे होता है। यार बड़ा जालिम रश है, इस तरह का रश मैंने जिंदगी में किसी वन डिश पे नहीं देखा। बहुत ज्यादा रश है, मैं तो वो उसके नजदीक भी नहीं जा पड़ा। जंग वाला हिसाब है। तीन लेयर्स थी, क्रॉस करके जाना था। तौबा 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 तौबा। जी हमारा ऑर्डर आ चुका हुआ है, यहाँ पर हमारे साथी हैं। भाई नाम? बस महद। महद भाई, सलमान भाई, फिर मुईज़ भाई तो हमारे साथ होते ही हैं हमेशा। भूख भी लगी हुई है और खुशबू से भी अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसे उम्मीद है कि ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। थैंक यू जी, थैंक यू। नान भी आ गए। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ये ज़बरदस्त गरम गरम नान ला के दिए इन्होंने, ऊपर तेल लगे हुए हैं, ज़बरदस्त लाल हुए हुए हैं खूबसूरत। और बिस्मिल्लाह पढ़ के यहाँ पर ये चनों के साथ हरी मिर्च भी है इनमें। और आए हाय हाय, खाली चने सबसे पहले ट्राई करें, फिर अंडा वगैरह मिर्ची वगैरह हर चीज़ लगाएंगे। ये ज़बरदस्त फुल करके हमने अपना निवाला ले लिया। और बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त 10 में से 8 अच्छा टेस्ट है। अपना टाइम लेके पके हुए हैं चने और मज़ेदार। अब अंडे के साथ थोड़ा सा ट्राई करें। भाई का हाथ सही रुक है। ओहो अंडा मिर्ची इस तरह बड़ा ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब। 7.5-8-10 चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया, काफ़ी मज़ेदार थे। लेकिन ये जो रश है ना, एक तो ये काफ़ी सस्ते हैं, यानी कि 100 रुपये की प्लेट देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रश है ये मोहल्ले का, बाज़ार का जो सबसे ज़्यादा रश है। और आज संडे था, संडे के दिन हम लोग गए। और टेस्ट वाइज बात की जाए तो टेस्ट इनका वही 10 में से 8 या 7.5 आप कह सकते हैं। काफ़ी अच्छे हैं लेकिन दूर से सफ़र करके आने के काबिल नहीं है, बहुत अच्छे हैं मोहल्ले के लिए बस। अब मिलते हैं आपको शाम को बट कढ़ाई पे, क्योंकि बट कढ़ाई खाने पे बहुत दिल कर रहा है आज। और हम जाएंगे उस बट कढ़ाई पे जो सबसे पहली थी, सबसे पुरानी है, ओरिजिनल ऑथेंटिक। अब जनाब आला हम लोग आ गए हैं लक्ष्मी चौक, यहाँ पर खाएंगे बट कढ़ाई, वो वाली बट कढ़ाई
जो सबसे पुराने, जहाँ से बट कढ़ाई का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। भूख भूख से तो आंखें बंद हो रही। सालिम की यार इधर आके पहुंचे हैं तो देखें, एक बाट कढ़ाई, दूसरी बाट कढ़ाई, वो आगे बाट कढ़ाई, ये बाट कढ़ाई टिक्का असली बाट कढ़ाई, इसके साथ आगे भी हैं दो बाट कढ़ाइयां। अब यार इनमें से पता नहीं कौन सी है, यार कौन सी लग रही है आपको? एक दो तीन चार पाँच छह बाट कढ़ाइयां और छो से ठीक है ना, सबने एक जैसा पहुंच सकते हो आप। कौन सी हो सकती है? अब क्या? हाँ यार वो भी है। अब हम जिससे भी पूछे उसने कहना है हम ओरिजिनल है। इधर पीछे भी बाट कढ़ाई है, इधर भी बाट कढ़ाई है यार। इधर उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी चौक में है ओरिजिनल वाली, अब इधर आए इतनी सी याद आए कोई समझ नहीं आ रही। ये खान साहब शरीफ आदमी लग रहे हैं, इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है। इनमें सबसे पुराना असली वाला कौन सा है? ये जिसका बड़ा बोर्ड है, इसका कारों पे, वो कारों पे भी ऐसे बड़ा होटल होगा, छोटा ये छोटा होटल। अच्छा दोनों नदीम भट वाले ओरिजिनल है भाई? ओरिजिनल भट कढ़ाई कौन सी? ये वाली हाँ जी है। एक आदमी का है वो नदीम वाली है। नदीम वाली भी ब्रांड है लेकिन ये है। यार दो लोगों से पूछा है, दो मुख्तलिफ कढ़ाइयां उन्होंने बताई हैं, वो ओरिजिनल और वो कहते हैं ये उनकी है। चाचा जी तजर्बे का लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ये इनमें से सबसे पुराना और ओरिजिनल कौन सा है? हम आए हैं, वो कहते हैं लक्ष्मी चौक में सबसे पुराना है। आप यार इधर आए हैं तो देखा चाहिए। मैं सबसे पुराना नदीम नदीम भट कढ़ाई। भाई अब ये क्लियर हुआ है कि ये वाला जो है ना भाई नदीम भट, ये ओरिजिनल है, असली है, पुराना है। तीन जगहों से गवाही मिल गई है कि ये वाला है भाई, दूसरे भी अच्छे होंगे लेकिन दो सीनियर सिटीजन। अच्छा ये ठंडा टाइम है थोड़ा सा और काम भी इनके पास है इस टाइम। ये देखें देसी कुकड़ भैया, इधर ही देसी कुकड़ नजर आ रहे हैं। एक हाँ एक हमारे लिए यार, एक तो करना पड़ेगा आपको पता है। कौन सा लेना चाहिए यार? चिट्टा कुकड़ है, सुता मुर्गा ना चुकी उस्ताद। ओए 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 दे जो सिर फाटिया निकलनी ने, वजन बढ़ जाए खैर है, थोड़ा सा बड़ा हो यार। देख रान सही है वो इस तुम्हारी सीयर के जीतता नहीं मेरे तो इससे बड़ा है, तेरे तो थोड़ा माड़ा है, थोड़ी सेहत सेहत होनी चाहिए। ओ भाई तो सरगा निकाल आ, ऐसे ही है, ऐ को लग रे ऐ को आया ठीक है। अल्लाह अकबर पढ़ के फिरी वरना आंखा बंद कर ला, आखिरी टाइम आ गई, कलमा पढ़ ला। इंसान को नहीं पता होता कि कौन सा मुर्गा उसके पेट में जाना है। ये दुकान को कितना अरसा हुआ है? जो हमारे सामने में आता है वो 40-50 साल से ऊपर ही, 40-50 साल, 7-8 साल हो गए। 45 साल तो वो उस चाचे को हो गए। इससे ज्यादा ही अच्छा है, तो नदीम भट साहब हैं, उसके वाले साहब नदीम भट साहब हैं। अच्छा उनके दौर से ही आ रहा है। बहुत पुरानी है यार भाई, क्या हो गया? दादा परदादा इधर चला गया, मैं इनके पास कब का हूँ? जब जनरल जा का हुकूमत था, सिर्फ है दुकान है ही थी, है भली हमारी चीजें जनाब धुल के आ चुकी हुई है, इसको अच्छे से बात दी है इन्होंने। दे भाई उस्ताद नो, उस्ताद उस्ताद नो है, कुकरे चली गई, ये आ गए टमाटर अपना प्याज, भूख की वजह से मुझे टमाटर और प्याज में कोई फर्क नहीं लगता। हाँ 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 तीन टमाटर डालने के बाद ये नमक की चुटकी, ये आ गई मिर्च, वाह भाई वाह, अदरक, और इधर आ गया खालिस पानी जिसमें है जायका लाहौर का, लाहौर का पानी, लाहौर का जायका। 1.5 किलो दो मगे ते है, 3 मगे ते है, जान लगे जनाब कुकर। कितने टाइम के लिए बनते? 10-15 मिनट 20 मिनट। इमरान खान की रिहाई के बाद हमारे मुर्गे को कुकर में कैद कर दिया है 20-25 मिनट के लिए, गल रहा है, जब तक गल जाए तो फिर वापस कढ़ाई जब बनाएंगे तो वो आपको दिखाते हैं, अभी वेट कर रहे हैं कि वो गल जाए। ये जनाब आला कुकर से आने वाला है हमारी कढ़ाई में, हाँ 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 चुक दो काम नोस्ता जी।
हरी मिर्च, हाँ भाई ने हरी मिर्च छाड़ दी है, अदरक भी आ गई, क्या बात है। ये देख यार, ये इधर मिर्ची मुझे नजर आई है, ये मेरी तरफ से की, ये भाई की रेसिपी ना खराब हो जाए। कुकर ज़िबा करने के बाद मक्खन ज़िबा हो गया भाई। हाय 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 हाय, डेढ़ किलो का डेढ़ मक्खन बाट कढ़ाई उस की, अपने हाथों से बाट कढ़ाई तैयार हो रही है, जिस चीज ने खानी है आ जाओ। यार कढ़ाई बन रही है, कोई जालिम खुशबू आ रही है यहाँ पर कढ़ाई की, क्योंकि इन्होंने मक्खन डाला है और सही उसके बुलबुले सही नहीं कर रहे हैं, तो खुशबू जालिम किस्म की आ रही है। मैं खड़ा भी कढ़ाई के ऊपर ही, ये पानी सूखेगा तो तैयार हो जाएगी। हाँ जी, ऐसा सब रेडी होने लगी है, पानी खुशक हो गया है। क्या बात है, अब तैयार होने वाली है। क्या डालने लगे उस थाली में? हाँ गर्मा गर्म रोटी भी आ गई है जनाबे आला, और वहाँ पर कढ़ाई के आखिरी टचेस चल रहे हैं। ये छाबी तैयार है, इस छाबी में रखेंगे अभी उठा के। आगे भाई आ गई हमारी कढ़ाई, आए हाय हाय हाय, साइज देखें इसका माशाल्लाह तबारकल्ला, दो बंदे और इतनी बड़ी कढ़ाई, हाथ नहीं लगाना गर्म होती है। और ये हमारे साथ आ गई देसी रोटी, क्या बात है क्या बात है। आण दो फिर उस्ताद जी, आए हाय 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 हाय, जो खुशबू आ रही है ना जालिम किस्म की, मैं आपको अल्फाज में बिल्कुल नहीं बता सकता, सिर्फ खा के बता सकता हूँ। ये बोटी देखें यार, मक्खन में तैयार करदा कढ़ाई, और इसके साथ यहाँ पर लें थोड़ी सी ग्रेवी, साथ में ही हरी मिर्च आ रही है, खूबसूरत। आय हाय हाय, बिस्मिल्लाह, गरम बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं टाइम बीच में वेस्ट कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। ओहो क्या जुल्म है, जो पंच मिला है ना एकदम देसी कढ़ाई मक्खन का, क्या बताऊं मैं आपको। साथ में इस बार ना मिर्च मैं हाथ से खाऊंगा ये वाले में नहीं रखा, हो सकते ज्यादा तेज हो तो मैं। बिस्मिल्लाह, बहुत मजेदार, बेस्ट मक्खनी कढ़ाई आई हैव ट्राइड एवर, लाजवाब यार, बहुत मजेदार। अगर अभी तक आपके सब्र ने जवाब नहीं दिया, आपके मुंह में पानी नहीं आया, ये देखो ये जो आधी मिर्ची छोड़ी थी वो, साथ में ग्रेवी बोटी। ओए उस्ताद जी ना करो, अभी तक पानी नहीं आया मुंह से, ये देखें फिर। ये सुपर अमेजिंग डिलीशियस, लाजवाब, इतनी मज़ेदार मखनी कढ़ाई मैंने कभी नहीं खाई, सीधी सी बात है। अब कैमरे को पीछे वाला बंदा मरने वाला हो गया, अब से थोड़ी देर बाद मिलते हैं भाई, कोई नज़र ना लगाया हमें, हम दोनों ने मिलके नहीं खाई, डेढ़ किलो नहीं खाई, आधी खाई है आधी बचाई है, बल्कि आधी घर ले जाएंगे। ये कोकना होती तो खा लेनी थी पूरी, वो इससे तो मुझे लग रहा था कि इन्हें नहीं छड़नी, जब इसने बगैर रोटी के बोटियाँ शुरू की हैं ना, मैंने कहा अब काम खत्म है, लेकिन शुक्र है बकरे की खैर है, बकरे की जान गई है, लोग खान दे उड़ गए पानी, मुर्गा साढ़े देने छाटे बकरे ही रहना यार। बिल 7,580 सर जी, बर्तन बुर्तन तो आ देने बर्तन बटकाने, बर्तन बड़े मुश्किल है, ऐसे ज्यादा होंगे नहीं, फिर पेमेंट ही कर आजकल तो मुर्गी हालात ठीक नहीं है ना, वैसे रश कम है, तो यहाँ जगह ही नहीं मिलती। सही बात है।